ડેપ એક્સપો શુભારંભની સાથે ડીસામાં વાયુસેના સ્ટેશનનો શિલાન્યાસ કરતા પ્રધાનમંત્રી. ગાંધીનગર ખાતે ડિફેન્સ એક્સપો 2022ના શુભારંભ સાથે પ્રધાનમંત્રીએ ડીસાના 52 વીઘ વાયુસેના સ્ટેશનનો પણ શિલાન્યાસ કર્યો હતો. 21 મહિનાના રેકોર્ડ સમયમાં તૈયાર થશે ડીસા એરબેઝ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મહાત્મા મંદિર ગાંધીનગરથી એશિયાના સૌથી મોટા ડિફેન્સ એક્સપોને ખુલ્લો મૂક્યો હતો. આ વેળાએ તેમણે બનાસકાંઠા ડીસા ખાતે 52 વીઘ વાયુસેના એરફોર્સ સ્ટેશનનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે બનાસકાંઠાના ડીસામાં નવા આધુનિક એરબેઝ વિકસિત કરવામાં આવશે. ડીસામાં વિકસિત થનારું એરબેઝ દેશની વાયુસેનાની સીમાઓને સુરક્ષિત રાખવાની રણનીતિ સાથે ખૂબ મહત્વનું બની રહેશે. બનાસકાંઠાના ડીસા ખાતે 4519 એકરમાં બનનારું આ ડીસા એરબેઝ આંતરરાષ્ટ્રીય સીમાથી માત્ર 130 કિલોમીટરના જ અંતરે છે. એરબેઝના નિર્માણથી ગુજરાતની આસપાસના એરબેઝ વચ્ચે 355 કિલોમીટરનું અંતર ઓછું થઈ જશે, જેનાથી આપણા લડાકુ વિમાનના ઓપરેટિંગ રેન્જમાં વધારો થશે. સાથે યુદ્ધ સમયે રિસ્પોન્સ ટાઈમ પણ ઓછો કરી શકશે. આ એરબેઝ બનાવવાથી દેશની પશ્ચિમી સીમા પર એકસાથે લેન્ડ અને સી ઓપરેશન કરવાનું સંભવ થશે. સાથે જ વડોદરા અમદાવાદ જેવા આર્થિક કેન્દ્રોને મજબૂત એર ડિફેન્સ મળશે. આ એરબેઝથી ઉડાન યોજના અંતર્ગત ઉત્તર ગુજરાતની એર કનેક્ટિવિટીમાં વધારો થશે. આ એરબેઝના નિર્માણથી સ્થાનિક લોકો માટે રોજગારીની તકો ઊભી થશે. આ એરબેઝને ફાસ્ટ્રેટેડ મોડમાં 21 મહિનામાં તૈયાર કરવામાં આવશે. એરબેઝ દેશના ડિફેન્સને મજબૂતી અને ગુજરાતના વિકાસને નવી ગતિ આપવાની દિશામાં એક નવો અધ્યાય બની રહેશે, તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा. है
जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद हमारे देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लोह पुरुष सरदार पटेल की धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए ज्वाइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमई और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। सरकार आने के बाद हमने डीसा में ऑपरेशनल बेस बनाने का फैसला लिया और हमारी सेनाओं की अपेक्षा आज पूरी हो रही है। मेरे डिफेंस के साथी, जो भी चीफ ऑफ डिफेंस आप बने, हर किसी ने मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाई थी और आज चौधरी जी के नेतृत्व में ये बात सिद्ध हो रही है। जितना अभिनंदन डीसा को है, उतना ही अभिनंदन मेरे एयरफोर्स के साथियों को भी है। ये क्षेत्र अब देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा, जैसे बनासकांठा और पाटन उसने अपनी पहचान बनाई थी। वो पहचान थी बनासकांठा पाटन गुजरात में सौर शक्ति सोलर एनर्जी का केंद्र बनकर उभरा है। वही बनासकांठा और पाटन अब देश के लिए वायु शक्ति का भी केंद्र बनेगा। साथियों, किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए भविष्य में सुरक्षा के मायने क्या होंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। डिफेन्स एक्सपो नो शुभारंभ करावता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2022 नो महात्मा मंदिर गांधीनगर खाते भारतना प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ करायो। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहित महानुभाव उपस्थित। प्रधानमंत्री द्वारा गांधीनगरना महात्मा मंदिर में डिफेन्स एक्सपो 2022 नो राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, केंद्रीय संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह अने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल नी उपस्थिति में विधिवत शुभारंभ करायो हतो। महात्मा मंदिर में योजाला भव्य समारोह में भारतीय सेना की त्रणे पांखना वड़ाओ ने विविध देश प्रतिनिधिओ अने संरक्षण क्षेत्र साथ संकळायेला उत्पादकों उपस्थित रहा था। प्रधानमंत्रीए जणाव्युं हतुं के दुनिया विभिन्न देशों सकारात्मक विचारसरणी साथ भारत साथ जोड़ायेला है। 53 आफ्रिकन मित्रों देशों खभे खभा मिलावीने अपनी साथ उभा है। संशोधनों अने सुरक्षा में अनेक अवसरों ने सकारात्मक संभावनाओं सर्जाई है, एम कही कहूत कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेन्स कोरिडोर बनी रहा है। परिणाम अनेक विदेशी कंपनीओ भारत में रोकाण करवा आवी रही है। सप्लाई चेनू मोटू नेटवर्क आकार लई रू है, जे भारत लघु और मध्यम कक्षा उद्योगों में नवी ताकत उमराशे। नाना उद्योगों ने मोटो अवसरो प्राप्त थशे। तेमणे डिफेन्स एक्सपो में भाग लेवा गुजरात पधारेली तमाम कंपनीओं ने आह्वान करता कह्युं हतुं, सशक्त ने विकसित भारतना आपणा सपना ने साकार करो।
હું તમારી સાથે છું. આપની ઉજ્જવળ આવતીકાલ માટે હું મારી આજ આપને અર્પણ કરવા તત્પર છું. હા, ભારત પહેલાં કબૂતર છોડતું, આજે ચિત્તા છોડી રહ્યું છે. એમ કહીને તેમણે કહ્યું હતું કે ઘટનાઓ નાની હોય છે પણ તેને સંકેત મોટા હોય છે. શબ્દો સરળ હોય છે પરંતુ તેનું સામર્થ્ય અપરંપરા વાળું હોય છે. ડિફેન્સ એક્સપો 2022 શક્તિ અને સામર્થ્ય માટે સમગ્ર વિશ્વમાં કેન્દ્ર સ્થાન રહેશે એક્સપો. તેમજ રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ અને તેમની ટીમના પુરુષાર્થના પણ તેમણે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. નાગરિકોને શુભકામનાઓ પાઠવી અને નૂતન વર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતના લોકોને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહે ગૌરવ સાથે કહ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રીના નેતૃત્વમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ભારતની પ્રાથમિકતા રહી છે. આકાશ, ધરતી, જળની સાથે ભારત એરોસ્પેસ ક્ષેત્રે પણ પોતાની શક્તિ વધારી રહ્યું છે. મિશન ડિફેન્સપો અંતર્ગત અવકાશ ક્ષેત્રે ભારત હવે વધુ નવા પડકારો અને તકો સાથે આગળ વધશે. પ્રધાનમંત્રીના માર્ગદર્શનમાં ભારત સંરક્ષણ ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર સાથે વિશ્વની 5મી મજબૂત અર્થવ્યવસ્થા તરીકે ઉભરી આવ્યું છે તેમ જણાવી સંરક્ષણ મંત્રી શ્રી રાજનાથસિંહે ગુજરાતમાં ડીપ એક્સપો 2022ના સફળ આયોજન બદલ ટીમ ગુજરાતનો આભાર અને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગુજરાતને પ્રતિષ્ઠિત ડિફેન્સ એક્સપોની 12મી આવૃત્તિનું આયોજન કરવાની તક આપવા બદલ પ્રધાનમંત્રી સંરક્ષણ મંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. ડિફેન્સ એક્સપો થકી ભારત અને ગુજરાતની વિકાસ ગાથામાં સહભાગી થવા ઉદ્યોગો સાહસિકોને આહ્વાન કર્યું. ડિફેન્સ એક્સપો 2022ના શુભારંભ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે મિશન ડેફસ્પો બનાસકાંઠાના ડીસા ખાતે એરફોર્સના 52મું એરબેઝનું ભૂમિપૂજન સહિત અન્ય પહેલની પણ શરૂઆત કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર નીમાબેન આચાર્ય, રાજ્ય મંત્રીમંડળના સભ્યો, ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ શ્રી અનિલ ચૌહાણ, સંરક્ષણ સચિવ શ્રી ડૉક્ટર અજયકુમાર, એર ચીફ માર્શલ શ્રી વિવેકરામ ચૌધરી, ચીફ ઓફ નેવલ સ્ટાફ એડમિરલ શ્રી આર એચ કુમાર, ચીફ ઓફ આર્મી સ્ટાફ જનરલ શ્રી મનોજ પાંડે, રાજ્યના મુખ્ય સચિવ શ્રી પંકજ કુમાર, સંરક્ષણ મંત્રાલયના અન્ય અધિકારીઓ, સેનાની ત્રણેય પાંખોના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિત વિવિધ દેશના ડેલિગેટ્સ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે વાયુસેનાના અધિકારી મનીષ કુમાર તેમજ ઉત્તરાખંડના મંત્રી ચંદન રામદાસ પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપવામાં તેમના દ્વારા આવી હતી. 2022 के बारे में संसद में शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता वैश्विक नेता पिता भूत आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, राज्य के आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, राज्य के मेरे साथी मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, देश विदेश से आए हुए सभी रक्षा मंत्री श्री सीडीएस श्री जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना के प्रमुख श्री एडमिरल श्रीमान हरी कुमार जी, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल श्री बी आर चौधरी जी, मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, आमंत्रित सब हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हम कुछ सालों पर कई सालों पहले तक हम एक बहुत बड़े इम्पोर्टर हुआ करते थे, लेकिन हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में इंडिया आज एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ वो बड़े तौर पर एक्सपोर्ट कर रहा है. जैसे उन्होंने बताया पिछले समय में हमारा जो लक्ष्य है एक्सपोर्ट का और अधिक कर दिया गया है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेक इन इंडिया एक स्लोली एक धीरे 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 एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी बनना जा रहा है. एंड जैसे हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे भारत में ऐसी लिस्ट तैयार हो गई है जो इंडिजिनियस लिस्ट हो गई है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिफेंस के क्षेत्र में अपने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है सारा इम्पोर्ट कर रहे, मतलब इम्पोर्ट कम होके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये हमारे जो कंट्री के पीएम का विजन है मेक इन इंडिया, उसमें ये हमारे भारत के कंपनियों के तरह ही हम क्षमता रखते हैं कि अब हम दुनिया के, जैसे उन्होंने कहा, 75 से अधिक देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये जो कंप्लीट टर्न अराउंड हो गया, फ्रॉम अ बिग इंपोर्टर वी हैव बिकम वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स. जैसे कहा कि इट इज गोइंग टू बी फॉर द ग्लोबल गुड,
भारत अभी बाकी देशों भारत की वजह से पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री में ग्लोबल, जैसे उन्होंने कहा कई छोटे छोटे देश हैं जिनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो इंडिया इज गिविंग अ बूस्ट टू द ऑल द स्मॉल कंट्रीज एंड इंडिया इज बिकमिंग अ पावर टू रिकन विद इन द ग्लोबल सेंटर स्टेज। गुजरात की पवित्र धरती पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आगाज आज माननीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ शुभारंभ किया। रक्षा क्षेत्र में MSME एक महत्वपूर्ण सेक्टर है और भारत की आर्थिकी बढ़ाने के लिए भी MSME का एक बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड राज्य से MSME के मिनिस्टर के रूप में मुझे यहाँ पर आकर ये कार्यक्रम में गौरवान्वित होने का मौका मिला। मैं गुजरात सरकार को, रक्षा मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये एक्सपो यहाँ लगा हुआ है, इसमें जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे उनको हम मैं भी देख रहा हूँ। हमारे उत्तराखंड के यहाँ स्टार्टर आए हुए हैं, यहाँ की जो भी तकनीक है उसको अपने राज्य उत्तराखंड में हम अपनाने का काम करेंगे। वहाँ उद्योग लगाकर हम रोजगार सृजन के क्षेत्र में हम अभूतपूर्व काम करने जा रहे हैं। इसमें MSME का सबसे बड़ा योगदान होगा और आज रक्षा क्षेत्र में MSME जिस हिसाब से काम कर रही है, उपकरणों को बना रही है और रक्षा क्षेत्र में हम जिस तरीके से आयात और निर्यात में इस समय हम अग्रणी देश के रूप में है, ये देश के नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और अपने राज्य और देश के लिए भी रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है।